कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाखरो रेंज अवैध पेड़ों की कटाई के मामले को लेकर चर्चा में रहा है। इस मामले में सरकार ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। एनटीसीए और एनजीटी के अलावा वन विभाग भी इस पर जांच कर अदालत में रिपोर्ट दे चुका है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अनूप पंत नाम की याचिकाकर्ता की सीबीआई जांच करवाने की मांग पर मोहर लगा दी। हम लोगों ने ये मांग करी थी माननीय उच्च न्यायालय से कि इस पूरे प्रकरण को एक निष्पक्ष जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रेफर किया जाए। इस मांग को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी जांच सीबीआई निदेशक नई दिल्ली को रेफर कर दी है और उनसे कहा है कि उचित कार्यवाही करें। सीबीआई जांच के आदेश होने के बाद उत्तराखंड में सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सीबीआई और ईडी हमेशा से ही भाजपा सरकार के हाथों की कठपुतली रही है। इस बार भी विजिलेंस ने जिस तरह हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी की, वो विपक्षी दल के नेता पर बदले की कार्रवाई थी। हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया है, मैं हाईकोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी करूं कदापि उचित नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग लगातार जो है विपक्ष के लोगों पर जो है सीबीआई डी इनकम टैक्स का जो है प्रयोग करने का काम कर रही है और आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। रिपोर्ट में हरक सिंह रावत आईएएस और आईएफएस अफसरों के शामिल होने का जिक्र है। 2019-20 में पाखरों में टाइगर सफारी के लिए 106 हेक्टेयर वन भूमि पर काम शुरू किया गया। 163 पेड़ काटने की इजाजत ली गई, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 6000 पेड़ काटे गए। एनटीसीए की टीम ने मौके पर मुआयना किया। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, एनजीटी और उत्तराखंड वन विभाग ने भी जांच की। मामले की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। मौजूदा वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले का परीक्षण करवाया जाएगा और उसके बाद जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अलग जांच चल रही है, इसमें सीसीबी एक जांच कर रही है, आपका एनजीटी अलग जांच कर रही है और हमारी सरकार के द्वारा भी विजिलेंस को पूरे प्रकरण को सौंपा गया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है सीबीआई जांच के लिए, निर्णय को आने दीजिए, परीक्षण करा लेंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो उच्चतम न्यायालय में जाकर के अपील भी करेंगे। हरक सिंह रावत लोकसभा चुनावों की तैयारी में है और मौजूदा समय में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों के कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर भी है। वहीं विजिलेंस की इस कार्रवाई ने न सिर्फ हरक सिंह रावत को मुश्किलों में डाल रखा है बल्कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को भी दिक्कतें पैदा हो रही है। दूसरी तरफ भाजपा को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। अभी देखना होगा कि हरक सिंह रावत की मुश्किलें कितनी बढ़ती है और कांग्रेस चुनावों से पहले इस मामले से कैसे पार पाती है। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत।